बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, हमें डिटेल्स आ रही हैं, हमें पूरी कहानी समझ आ रही है कि कितने पाकिस्तानी थे जो कि वो किश्ती जो चली थी सीरिया से और जो ग्रीस यानी यूरान के करीब जाके वो जो किश्ती डूबी है। हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी उसमें थे। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन खौफनाक चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने निचला जो तहखाना था उसके अंदर घुसाया हुआ था और उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और ज़्यादातर जो लगता है कि जो लोग डूबे हैं वो पाकिस्तानी थे। अभी ये भी नहीं पता चला कितने हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उनसे जो 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 आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं कि ये एक खौफनाक किस्म का ये सानिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, औरों के लिए भी, और भी जो वहाँ किश्ती के ऊपर थे, जो जिनका अभी तक पता ही नहीं कि कितने लोग डूबे हैं। लेकिन इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे ये चीज़ सामने आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीज़ा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीज़े नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। वो उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज़ तरीके से पहुंचा दें वहाँ। जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज़ थे, यानी सब इलीगल थे, इनके पास किसी के पास वीज़ा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे जो दलाल होते हैं, जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुँचा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी ज़िंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या ख़ानदान जमा करके भेजते बाहर के, बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। तो वो ये सारे वो लोग थे, जो दूसरे भी थे वो भी ये लोग थे। अच्छा, अब इनमें ये जो लोग जा रहे थे ये किन मुल्कों से जाते हैं? सवाल हम अपने आप से पूछें कि ये कौन से मुल्क हैं जिधर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपना घर छोड़ के सारा पैसा इकट्ठा करके ख़ानदान इनको बाहर भेजता है। वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब ख़त्म हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, वो लोग उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई, जब तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन और कौन से मुल्क हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूँ इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुल्क जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और किधर कम है। तो पहले तो मैं आपको पहले 15 मुल्क आपको बता दूं कि जिधर कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और जिधर लोग छोड़ के उन मुल्कों पे जा रहे हैं, यानी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में किन मुल्कों पे जा रहे हैं। इनमें मुल्क हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क हैं, स्वीडन। सबसे ज़्यादा यहाँ कानून की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है, लोगों को पूरा इत्माद है उनके इंसाफ के निज़ाम पे, या इंसाफ है इन मुल्कों के अंदर, अदल और इंसाफ है। तो सबसे अमीर मुल्क ये हैं और इधर सबसे ज़्यादा इंसाफ है। तो ये इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये 0. 0.90 से लेके 0.80 के बीच में ये सारे मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, आयरलैंड है, बरतानिया है, लग्जमबर्ग है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है। ये सारे वो मुल्क हैं और अमेरिका जिनकी जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो ये वो मुल्क है जिसकी तरफ ये लोग किश्तियों में अपनी जानें खतरे में डाल के ये इन मुल्कों की तरफ जाता है। अब आ जाए वो मुल्क जिनकी 40.40 से नीचे है, 0.40 से 30 तक जिनकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी जिधर इंसाफ सबसे कम है। अब वो कौन से मुल्क हैं, उस जिसमें मुल्क हैं अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है जिधर ये अभी तबाही मची हुई है, जिधर मिलिट्री ने संभाला हुआ मुल्क, उधर पाकिस्तान है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है यानी अफ्रीका के मुल्क हैं, मोजम्बिक है, इथियोपिया है जिधर भी अभी खाना जंगी चली है, तो वो मुल्क है, निकरागुआ है यानी साउथ। सो ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम इस वक्त कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ है, जिधर सबसे कम इंसाफ है। इन सारे मुल्कों से ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम है, इधर से लोग जा रहे हैं उन मुल्कों में जिधर सबसे ज़्यादा इंसाफ, और क्योंकि इंसाफ है खुशहाली है। मैं ये आपको क्यों आज बता रहा हूँ, मेरे पाकिस्तानी भी मेरी ज़रा गौर से बात सुन रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया, जो मैंने ज़िंदगी में अल्लाह से अपने लिए मांगा उसने मुझे दे दिया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में से 140 मुल्क में हमारा नंबर 129 है, यानी 129वीं नंबर उस मुल्क का है जिधर सबसे कम इंसाफ है। अब ये सोच लें कि ये इंडेक्स उधर का है जब से ये 9 मई के बाद मुकम्मल तौर पे यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान में वो बहाना मार के, और मैं इंशाल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूँगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई हैं सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई हैं, और ये हर जगह से एक ही आवाज़ आई ये हमारे लोग नहीं थे। मैंने एक एक से पूछा है हमारे लोग छुपे हुए थे, क्योंकि वो छुपे हुए हैं जेल में हैं। मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेट पूरी तरह इसकी खबरें मिली हैं, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा है उन्होंने एक चीज़ कही है जी कि एकदम कोई लोग आते थे और ये एकदम सारों को इश्तियाल दिलवाते थे कि चलो वहाँ चलो, उधर चलो जी, GHQ चलो, चलो इधर जाके ये जो जहाज़ चौक पे मियाँ वाली में इसको आग लगा दो। लोग कह जी अब हैं कौन, वो हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो ये हर जगह से ये आई है। कोर कमांडर घर का जला दिया गया, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन आज तक कोई IG पुलिस से पूछा है कि 2-3 घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब वो उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और क्यों नहीं अभी तक CCTV कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई, सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं, क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए हैं, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था 9, मेरे ऊपर जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये तो छोड़ो 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफ़ा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफ़ा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था, और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरमन एहतजाज, हम कहीं भी पुरमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाज़त देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था, एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया, और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूँ, देखें जिस तरफ हम निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ़ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हुआ हूँ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफ़ा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए, मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, तो कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोरी में बात कर रहा हूँ। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाजे कर दूँ मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाएँ, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूँ। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वज़ीर आज़म बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वज़ीर आज़म के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूँ कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहाँ तो आगे अंधेरा है। ये हालात हैं कि कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे 20-30 लड़के आए, वो जैसे ही बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत बताएं, किस कानून के तहत? पहले तो आप कह सकते थे ना जी कि ये हमें जी वो कुछ जियो फेंसिंग में नज़र आए हैं, आपको तो पता ही नहीं है लड़के कौन है, पकड़ के सीधा जेल में ले गए। मेरे वकील उजैर भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को हमें चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का। कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं, और वो यहाँ से बाहर निकले उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। ये किस कानून के तहत? यानी यहाँ तो कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, यहाँ तो बल्कि बनाना रिपब्लिक से भी बदतरीन हालात हो गए हैं। मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैं वैसे वो मीडिया वालों से सर आज पूछना चाहता हूँ जो बड़े जिहाद लड़ते थे मीडिया की आज़ादी के लिए, वो मीडिया हाउसेस जी हम आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया, वो किधर चले गए हैं? चुप करके दुम दबा के सर बैठ गए हैं कि सारा इस वक्त इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पता नहीं कितना ख़तरनाक दहशतगर्द है। उसके बाद जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला है, जिस तरह की धमकियां जजेस को दी जा रही हैं, हमें फर्स्ट हैंड पता है कि जजेस से क्या किया जा रहा है। जो जज लाइन में नहीं उसके ऊपर मीडिया उसकी ट्रायल शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हर किस्म करप्शन केसेस हर चीज़ें उठाते हैं उनके। एक अब मैं बताऊँ, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके लोग उठा के ले गए, उनके नौकर को उठा के ले गए, तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है किसी तरह उनका मुंह बंद हो जाए। हर किस्म का प्रेशर डाला है कि वो भी लाइन में आ जाएं कि ये इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे आमरियत कायम हो जाए, किसी की जुर्रत ना हो। खौफ की फ़ज़ा इतनी है, सब डरे हुए लोग कि जी अब पता नहीं किसका घर रात को तोड़ा जाएगा, घुस जाएंगे अंदर पुलिस। अच्छा, पुलिस भी आम सादा कपड़ों में आते हैं, शलवार कमीज में आते हैं, बंदूकें पकड़ के अंदर घुस जाते हैं, चीज़ें तोड़ के चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। पुलिस लूट रही है, पुलिस को सोचे क्या हाल कर रहे हैं कि आप ये पुलिस से जो ये काम करवा रहे हैं, क्या पुलिस अपने ये काम नहीं करेगी? और क्या इससे ये वाजह होता है कि क्या आम गरीब आदमी उसके घरों में तो ये आम होता होगा। मैं अपनी पार्टी को ये बार बार कहता हूँ कि आप देखो जो हमारे पे गुजर रही है, इस मुल्क के कमज़ोर पे हर रोज़ ऐसे होते हैं जब भी उसका ताकतवर से टाकरा होता है। सोचें इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, जो ये जरदारी करता है लोगों से, तो यही तो करता है वो उनसे, लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए यही तो दहशत कर दी है। FIR कटवा दी, मारे पड़वा दिया, अगवा कर दिया, मरवा दिया, तो ये तो वो भी करता है। यहाँ भी एक कोई फ़िज़ा बनाई हुई है कि जी किसी टाइम के किसी घर पे आ जाएंगे। औरतों की लापरवाही है, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है। ये शर्म की बात है कि हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी क्रेडिबिलिटी है, दुनिया इज़्ज़त करती है, कौम उनको मानती है, वो मुल्क से 4-5 मुल्क से बाहर भाग गए, उनको बाहर भगवा दिए। अरशद शरीफ के साथ जो उन्होंने किया, जितना शायद ही इस मुल्क में ऐसा दिलेर और एक मुहिब वतन सहाफ़ी था, एक इन्वेस्टिगेटिव जो मेहनत करता था, उससे जो क्या किया गया। इमरान रियाज़ यूट्यूब में सबसे बड़ी फॉलोइंग जिसकी है, इसका मतलब कि कौम उसको सुनती थी, कौम मानती थी उसकी बात में। वो अभी तक महीने से ऊपर हो गया है, उसके बिना को बीवी बच्चों की को फिक्र है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, गायब हुआ हुआ है। और हमारी पुलिस क्या कर रही है। आपका जी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, ज़रा इधर आए ना, आप जेल में जाएंगे। अच्छा वो आगे से, अच्छा जी 15 लाख रुपए निकालो, 15 लाख से शुरू होते हैं, कोई 10 लाख पे ये बात मान लेते हैं। ये पैसे बना रहे हैं आप। जब आपने मुल्क में जंगल का कानून ले आए तो जो ताकतवर है वो हर किस्म का कमज़ोर पे जुल्म कर रहा है, क्योंकि आपने दरवाजे खोल दिए, मौका दे दिया सबको, सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। और मकसद क्या है कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर कांटा डाला हुआ है, अब उसने नहीं आना। और अगर तहरीक इंसाफ भी आएगी तो वो सुकड़ के एक छोटी सी जमात लेके आनी है, ताकि इस मुल्क में वो खिचड़ी पकी रहे और जनाब इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल हो जाए। देखिए मैं सिर्फ एक तारीख़ का स्टूडेंट होते हुए, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ा था। मैं सिर्फ आपको, अपनी कौम को, आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ कि जिधर ये हम अब पहुँच गए हैं और आगे लेके जा रहे हैं, उन मुल्कों का हाल क्या होता है। यही हाल जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप आधा आज़ाद हो गया, यानी जमहूरियत आ गई, वहाँ आधे यूरोप के अंदर इसी तरह के हालात, आमरीत आ गई, मीडिया के ऊपर कंट्रोल, लोगों की ज़िंदगी पे कंट्रोल, इस तरह फिर रहे थे, जासूस फिर रहे थे सारी जगह। कोई बात करता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, लोग गायब हो जाते थे घरों से। यही हालात सोवियत यूनियन का जो हिस्सा बने, ईस्टर्न यूरोप में आ गए, और जो वेस्टर्न यूरोप था वो आज़ाद हो गया, वहाँ जमहूरियत आ गई। 50 साल के बाद ईस्टर्न यूरोप पीछे रह गया और वेस्टर्न यूरोप खुशहाल होकर आगे बढ़ गया। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एक ही लोग हैं, जर्मन एक ही लोग हैं। ईस्ट जर्मनी में आ गए इसी तरह के हालात, आमरीत आ गई, वेस्ट जर्मनी आज़ाद हो गया, वेस्ट जर्मनी आसमानों पे चला गया, ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया। स्पेन के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, वहाँ यही हालात थे जो आज हमारे से हो रहा है। स्पेन में ये 30 साल के लिए फ्रैंको बैठ गया, एक डिक्टेटर। सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया, स्पेन पीछे रह गया, सबसे कम खुशहाली स्पेन में थी। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक ही लोग हैं, कोरियंस। नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, साउथ कोरिया के अंदर जमहूरियत आ गई। आज साउथ कोरिया आसमानों पे है, नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मर रहे हैं। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है कि लोग भूखे मर रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। एक हमें पता है, हमें जब एक चीज़ की समझ है कि आज़ाद इंसान ही ऊपर जाते हैं, उनकी परवाज़ ऊपर होती है। जब कुरान के अंदर फ़िरौन को, उसके तकब्बर को, उसके ख़िलाफ़ अल्लाह जब उसके ऊपर जब तफसरे होते हैं कुरान में, तो क्या होता है कि फ़िरौन इंसानों को ग़ुलाम बना रहा था और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को इंसान की ग़ुलामी से आज़ाद करता है। तो जो इंसानों को ग़ुलाम बनाता है, अल्लाह ने उसको जो फ़िरौन की मिसाल बताई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आज़ाद किया था ला इलाहा इल्लल्लाह से और अदल और इंसाफ से, हकूक़ दे के। हर इंसान के हकूक़ थे, औरतों के हकूक़ दिए गए, ग़ुलामों के हकूक़ दिए गए, अक़लियतें बराबर के शहरी बन गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला केस हार जाते हैं यहूदी शहरी से जब वो खलीफा वक्त होते हैं। इस तरह का इंसाफ था। इंसाफ ने इंसानों को आज़ाद किया और वो आज़ाद इंसानों ने दुनिया की इमामत की। तो यहाँ तो उल्टा जा रहा है, यहाँ तो इंसानों को ग़ुलाम बनाया जा रहा है कि घरों में तुम अगर ये बात नहीं मानोगे तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें उठा लेंगे, तुम नहीं हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों को उठा देंगे। अगर वो बाहर पाकिस्तानी बैठे या रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं किस कानून के तहत। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। मैं कल जा रहा हूँ, हर वक्त मैं जेल के लिए तैयार हूँ, मैं इस वक्त हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कोई डील करनी है, जिस तरह मैंने कहा मेरा कभी किसी सूरत में इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास कौन से बाहर पैसे पड़े हुए हैं। तो मेरा तो मुल्क ये है, मैं तो सब कुछ बेच के यहाँ इस मुल्क में आया हूँ। मैं तो किश्तियाँ, मैंने हमेशा फैसला किया था कि ये मेरा घर है, इधर मेरा जीना मरना है, किसी सूरत ना जाना है, ना मैंने कोई डील करनी है कि जी -1 कर लो। मैं इसलिए तो नहीं पॉलिटिक्स में आया था, मैं तो हकीकी आज़ादी के लिए आया था। मैं तो ये अगर डील्स करनी होती बहुत पहले डील्स कर लेता। मेरी जद्दोजहद रहेगी जब तक मेरा मुल्क हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होता, और उसके लिए जेल के लिए भी तैयार हूँ। कल मैं जा रहा हूँ, कोई 19 मेरी बेल्स हैं। एक किसी ने जज ने प्रेशर में आके कैंसिल किया, हालांकि केस है, बोगस केसेस हैं सारे, लेकिन एक ने फैसला करने के जी बेल कैंसिल कर दिया है, जेल में चला जाऊँगा। उसके लिए भी तैयार हूँ, तैयारी करके जाऊँगा। वो नहीं जाऊँगा तो कोटा में केस कर दिया। सोचें, सारे लोगों को पता है कि वो ख़ानदानी दुश्मनी थी। अभी कत्ल होता है तो 4 घंटे के बाद जनाब लॉ मिनिस्टर कहते हैं इमरान खान ने कत्ल कर दिया। ये उसी तरह है जब वो मेरे ऊपर जब वो गोली चलाई थी वो उसने शूटर ने, नवीद ने, तो अभी चंद मिनटों के बाद DPO के फ़ोन से वो सारों को मैसेज चली जाती है जी मैं दीनी, यानी कि वो दीनी इंतहा पसंद है, इमरान खान ने दीन की तौहीन की या क्या, वो पहले से पता था। ये बिल्कुल वही है। 4 घंटे, उसके 40 घंटे के बाद FIR कटती है। FIR 40 घंटे के बाद कटती है, 4 घंटे के बाद जनाब लॉ मिनिस्टर कहते हैं इमरान खान ने मार दिया उसका। जिस तरह इमरान खान को बड़ा कोई ख़तरा था उस केस से, या उसने कोई पहले बड़े कत्ल किए, 150 तो केसेस और थे। तो ये पहले से प्लान किया हुआ, किसी ना किसी केस में मुझे पता है कि इन्होंने, मैं जेल में चला जाऊँगा, लड़ूंगा यही केस लेकर, कोई मुल्क नहीं छोड़ूंगा, केस सारे लड़ूंगा। लेकिन मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह ने आपको बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। कुरान में वो कहता है मैं बार बार तुम्हारे ईमान को मुश्किलों से आजमाऊँगा। ये टाइम है आपका, अब ईमान आजमाया जा रहा है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मेरी ताकत किधर से आती है। मुझे पूरा ईमान है कि जब अल्लाह ने फ़ैसला किया मैंने जाना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उसने जो मुझे 2 दफ़ा बचाया है, इनके जो कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि उसने बचाया है, उसने, उसका फ़ैसला था, मैंने अभी नहीं जाना। मेरा ईमान है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में। जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा करें, TV में गंद उठा लें, नहीं जलील कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ। और रिस्क अल्लाह के हाथ में। जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, और सोचें बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, कौन पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करेगा, मुझे बताए ना। जब वो देख रहे हैं किस कानून के तहत लोगों की बिजनेस बंद कर रहे हैं, रोज़गार बंद कर रहे हैं, उनके लोग बेचारे बेरोज़गार कर रहे हैं। आजकल की महंगाई में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, किस कानून के तहत। कोई इनको फिक्र नहीं है, फिरौन बने हुए हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, खौफ कि जो हमारी दहशत फैल जाए, बस डराया हुआ है लोगों को। तो पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, आप हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के कोई। आपने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। मैंने हमेशा कहा कि पुरअमन एहतजाज करते हैं शहरी, कोई अपनी फ़ौज के सामने नहीं लड़ता, कोई अपनी पुलिस के सामने नहीं लड़ता। हम इनसे लड़ने नहीं आए, हम कोई इंतशार फैलाने नहीं आए, लेकिन हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। आपने अभी से मेंटली तैयार होना है। इन्होंने मुझे जेल में डालना है, और इनका ख्याल है कि जब मुझे जेल में डालेंगे, अब इन्होंने इतना खौफ फैला दिया कि सब चुप करके बैठ जाएंगे। आपने अगर ये जुल्म कबूल कर लिया, और याद रखें आप 25 करोड़ हैं, अगर 25 करोड़ लोग सहम गए और खौफ के सामने झुक गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। फिर या तो ये किश्तियों में लोग निकलेंगे और बेचारे इसी तरह जान खोते रहेंगे, समुद्रों में डूबते रहेंगे और वहाँ धक्के खाते रहेंगे, और या फिर जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़ के वैसे दुनिया में डिमांड है वहाँ चले जाएंगे, तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। और ये चोरों के हाथ में जिनको बैठा दिए ला के, जिनको 30 साल से साबित कर रहे हैं, ये एक दूसरे की चोरी को 30 साल से लोगों को बता रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है, जो यही इस्टेब्लिशमेंट बता रही है कि कितने बड़े चोर हैं। अगर इनके नीचे और इनकी गुलामी करनी है और ये खौफ की वजह से, मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई ज़िंदगी नहीं है, गुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ परवाज़ आज़ाद लोगों की है। इकबाल का शाहीन सिर्फ आज़ाद हो के तो ऊपर जा सकता है, गुलाम तो गुलाम रहते हैं। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो, गुलाम चूंटियों की तरह रींगते हैं। तो सब आप जहन बना लें कि ये खौफ जो फैलाया गया है, और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये ईमान वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आपने खड़े होना है, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, जो ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की, ये सिर्फ इक़्तिदार और पैसे की जंग है। इनको इक़्तिदार और पैसा इसलिए इमरान खान से ख़तरा है कि जनाब अगर वो आ गया तो ये हमारा इक़्तिदार और पैसा ख़तरे में चला जाएगा। ये मुल्क को तबाही की तरफ भेज रहे हैं उसी वजह से। और इसीलिए मैं सबको आखिर में पैगाम देता हूँ कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि कभी भी आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और आप सबको, मैं भी तैयार हूँ, आप सबको तैयार होना चाहिए कुर्बानियों का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।